हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम योर फेस एंड आई एम दीपिका। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज किए हैं अमेजोन से एंड purple.com से। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता देती हूँ। सो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है पैराशूट का, ये एलोवेरा एनरिच कोकोनट हेयर ऑयल। एंड इस हेयर ऑयल का रिव्यू मैंने काफ़ी अच्छा देखा था एंड सुना था कि एलोवेरा है इसमें। सो काफ़ी लोगों को ये पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा मुझे भी इसे एक ट्राई ज़रूर कर देना चाहिए। अभी तक मैं पर्पल से ख़रीदा हुआ हेयर ऑयल यूज़ कर रही थी एंड अब मेरा वो हेयर ऑयल ख़त्म हो चुका है, तो मुझे नया हेयर ऑयल परचेज करना ही था। सो मैंने सोचा चलो इसे एक ट्राई दे के देखते हैं कि ये कैसा है। सो इसकी कॉस्ट 75 रुपीज़ है, बट इनकी जो भी परचेज प्राइस होगी वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, बिकॉज फिलहाल मुझे याद नहीं किसी भी प्रोडक्ट की परचेज प्राइस की मैंने कितने में परचेज किया है, बट मैंने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स डिस्काउंट में परचेज किए हैं। सो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा ये है। एंड आप सोच रहे होंगे ये इतना ज़्यादा ख़त्म कैसे हो गया, तो ऑलरेडी इसे एक वीक हो चुका है परचेज किए हुए एंड घर में सभी इसी हेयर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज सच में ये हेयर ऑयल बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये गार्नियर का हेयर कलर एंड काफ़ी अच्छा हेयर कलर है। एंड ये है गार्नियर का ब्लैक नेचुरल ऑयल एनरिच्ड क्रीम कलर, इसमें अमोनिया नहीं है, 100% ग्रे कवरेज देता है, 15 मिनट में वर्क कर लेगा, यानी वर्क इन 15 मिनट्स है, लास्ट फॉर 6 वीक्स है। सो 6 वीक तक ये कलर आपके हेयर्स में एज इट इज़ रहता है एंड इसमें एलमंड ऑयल प्लस टी एक्सट्रैक्ट है और इसमें मेरा शेड है नेचुरल ब्राउन। सो काफ़ी अच्छा हेयर कलर दिख रहा है, ये मुझे यूज़ करना है एक बार एंड प्राइस इसकी सिर्फ 37 रुपीज़ है। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि अमोनिया फ्री हेयर कलर कैसा रहेगा 37 रुपीज़ में ओनली। सो इसीलिए मैंने इसे परचेज किया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है ये लोशन। सो वैसलीन का इंटेंसिव केयर डीप रिस्टोर लोशन है ये। सो अब आप सोचेंगे कि समर में मैंने लोशन क्यों परचेज किया है, लेकिन मेरी स्किन एक्स्ट्रा 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 ड्राई है एंड मुझे समर में भी इचिंग होती है अगर मैं लोशन नहीं अप्लाई करती हूँ तो इस वजह से मैंने ये वाला लोशन चूज़ किया है। मैं जॉय का एक एलमंड वाला जो लोशन आता था वो यूज़ करती थी हर समर में, वो भी काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन इस बार घर पे ये वाला एक लोशन पड़ा था और मैंने उसे सिर्फ 2 दिन यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा एंड मेरी स्किन बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी इस लोशन से। सो इसी वजह से मैंने अगेन इसे परचेज कर लिया है। अभी देख सकते हो आप, ये पैक ही है, मैंने अभी तक इसको खोला भी नहीं है और 400 ml है प्रोडक्ट और इसमें इसकी प्राइस है 265 रुपीज़, बट आई थिंक 200 के आसपास मैंने परचेज किया होगा इसको। सो जॉय का जो मैं लोशन बता रही हूँ आपको वो भी समथिंग अराउंड 200 ही आता है, तो फिर मैंने सोचा वैसलीन का यही लोशन मंगवा लेती हूँ और पंप के साथ होता है तो ईजी हो जाता है बिल्कुल यूज़ करना। सो इसीलिए मैंने ये वाला लोशन मंगवाया है। अगेन जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे कहीं दिख जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज टन। सो समर्स में सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो ये है डर्मिकूल का लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग रेडिएंट सैंडल पाउडर। सो एस सच मुझे इसकी कोई नीड नहीं थी, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे परचेज किया क्योंकि अच्छा आप देख सिर्फ इतना बोल सकते हो, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे हो जाते हैं ना जो आपको एकदम ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी आप परचेज करते हो जस्ट ट्राई करने के लिए। सो मैंने ये प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करने के लिए परचेज किया है। इसको मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये, बहुत ही कूलिंग सेंसेशन लगता है आपको एंड ऑब्वियसली समर्स होते हैं तो आप थोड़ा अपने नेक पे पाउडर स्प्रिंकल करते हो या फिर बैक पे करते हो या फिर जिनको वो छोटे छोटे दाने की प्रॉब्लम होती है, जिनको बोलते हैं घमोरिया, उसकी प्रॉब्लम होती है तो वो भी इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। सच में बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे एंड अच्छा पाउडर है। 105 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, 90 रुपीज़ में मैंने परचेज किया होगा फ्रॉम अमेजोन। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये, और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। सो ये है अर्बन बोटैनिक्स का कैस्टर ऑयल एंड ये वाला ऑयल मुझे मेरे ब्रदर ने रिकमेंड किया था, उसने जस्ट मंगवा के ट्राई किया होगा एंड उसे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा था। उसने मुझे बातों बातों में कहा कि मैंने ये ऑयल मंगवाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ऑब्वियसली अब किसी ने अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया है तो फिर वो मंगवाना तो बिल्कुल बनता है, तो इसीलिए मैंने भी इसे अमेजोन से मंगवा लिया। इसकी प्राइस है 299 रुपीज़, बट समथिंग अराउंड 200 में मुझे मिल गया होगा ये अमेजोन पे। सो पर्पल से सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये,
बेबी बायोटिक का बायो बेरी बॉडी वॉश। सो ये वॉश मैं रेहान के लिए यूज़ करती हूँ एंड मैं शायद 4 या 5 महीने पहले मैंने एक बॉटल परचेज की थी एंड बहुत अच्छा बॉडी वॉश है। रेहान की स्किन भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ड्राई है मेरी तरह, तो उसके लिए भी मैंने कहा, मैंने पूरा इसका इन डिटेल रिव्यू किया है चैनल पे, अगर आप चाहें तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर लेना कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है वगैरह वगैरह जो भी है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया है, सो इसीलिए मैंने इसे वापस परचेज़ किया है पर्पल से एंड इसकी प्राइस है 180 रुपीज़ एंड 140 में मैंने इसे परचेज़ किया, तो सोचो 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मुझे मिला है और अगर मैं बाहर जाके कहीं परचेज करूँगी तो मुझे 40 रुपीज़ का डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, सो गुड डील। ओके सो नेक्स्ट मैंने ये परचेज़ किया है, ये है एल्प्स का शावर जेल, दिस इज कोको बटर मॉइस्चराइजिंग शावर जेल। सो मैं अभी तक पामोलिव का है, फिर फियामा है, इनके जेल्स यूज़ कर रही थी, बट मुझे लगा कि पर्पल से इतने ज़्यादा जेल हैं तो मुझे एक जेल ज़रूर ट्राई करना चाहिए, तो मैंने कोको बटर मंगवाया एंड क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा 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 ड्राई है तो मैंने सोचा ये वाला मंगवा लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। एंड मैं अकेली इसे यूज़ कर रही हूँ अभी, मेरे साथ मतलब और कोई इसे यूज़ नहीं कर रहा है बिकॉज रेहान ऑलरेडी ये यूज़ करता है एंड रोहन ये यूज़ नहीं करते हैं और 1.5 वीक हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए एंड आप देख सकते हो कितना कम यूज़ हुआ है, बहुत कम लगता है एंड लेदर बहुत अच्छे से करता है। सो इसकी कॉस्ट है 125 रुपीज़ ओनली एंड 125 में आपको मिलता है 200 ml और ऑब्वियसली 125 रुपीज़ में मैंने परचेज़ नहीं किया होगा, पर्पल था तो सेल डिस्काउंट होना ही है, तो समथिंग अराउंड 80-90-100 रुपीज़ में परचेज़ कर लिया होगा मैंने। काफ़ी अच्छा है एंड टिक टैक दे रखा है ऊपर और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोको बटर जैसी फ्रेग्रेंस है इसकी, सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। लास्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो है ये VLCC का इंस्टा ग्लो हर्बल बी ब्लीच विथ क्यूकम्बर एंड रोज पेटल। मैं इतना ज़्यादा ब्लीच यूज़ नहीं करती हूँ बट कभी कभार 5 या 6 महीने में एक आध बार ब्लीच कर लेती हूँ, सो मैंने ये ट्राई करने के लिए मंगवाया क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे पढ़े थे कि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट शेयर करूं, देखते हैं परचेज करके कि ये कैसा है, कैसा वर्क करता है, क्या है। सो कॉस्ट इसकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, इसकी कॉस्ट थी 80 रुपीज़ और पर्पल से मंगवाया है, डिस्काउंट ज़रूर से होगा एंड इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 54 ग्राम्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। सो चलिए अगर आप लोग इसका रिव्यू और पूरा डेमो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो ये प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं, अब इन प्रोडक्ट्स में से किस प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हो मुझे कॉमेंट ज़रूर से करिएगा। और ये कोई बहुत ही ज़्यादा मेकअप वाला बड़ा वाला हॉल नहीं था, बहुत ही बेसिक सा हॉल था, बहुत ही कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए थे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल बनता है कि मैंने क्या परचेज किया है नया नया, मैं क्या नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। सो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ इस टाइप के कोई कॉमेंट्स मत करिएगा कि ये कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, कि आप हॉल करो या ऐसा कुछ करो। मैंने जो परचेज किया मुझे आप लोगों को दिखाना था, मैंने दिखा दिया। सो यस गाइज, यही था आज का वीडियो, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करें अपने चैनल को क्या है सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो आज की वीडियो को करती हूँ यहीं खत्म, मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइज।